भाई वो ऑक्सीजन पंप और वो निकाल लिए क्या? नहीं ब्रो, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहे, कहाँ पे गए? मैंने तो नहीं निकाले यार। किधर गए फिर यार? मुझे तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, यहाँ पे तो थे कुछ। तो अभी ना यार हमने सारा कुछ चेक कर लिया भाई, हमारा जो ऑक्सीजन पंप है जो डबल नोजल वाला, मैंने ऑक्सीजन पंप यहाँ पे लगाया था हमारे कोई पॉइंट को, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है यार। यहाँ से मैंने पॉइंट दिया था और यहाँ तक हमारा वो एक्सटेंशन बॉक्स था और यहाँ से था भाई हमारा ऑक्सीजन पंप जो कि डबल नोजल वाला था यार। जस्ट अभी मैं आया ऊपर और दिख ही नहीं रहा यार, ढूंढना यार उसे, किसी ने रख दिया होगा भाई कहीं पे भी, मुझे पता है। बड़े से ऑक्सीजन पंप कौन निकालेगा भाई? कुछ दोस्तों मैंने ढूंढ लिया यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, चोरी तो नहीं होगा यार, यहाँ से आ सकते नहीं? मुझे भी वही लग रहा है भाई, आ सकते भाई। अभी मुझे शौक हो रहा है भाई, शौक तो हो रहा है भाई। यार हमारी फिश चेक कर दे भाई, फिश तो सारी ठीक है ना? तूने अभी इनको फीड किया, सारी ऊपर आई थी क्या? ऊपर तो आई थी। ये वाली इधर की, ये वाली ज्यादा नहीं आई भाई ऊपर। अरे यार मुझे टेंशन हो रही है यार, टेंशन हो रही और यहाँ की तो सारी ठीक है, मैंने अभी चेक किया ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लैक मोर का पेयर है दोस्तों, मतलब यहाँ के हमारे सारे गोल्डन फिश वगैरह ठीक है, बट दूर कह रहा है कि भाई यहाँ पे सारी फिश मतलब ऊपर नहीं आई। मतलब तुझे क्या लगता है भाई? कम लग रहा है। तो आपको पता होगा यार इस वाले पॉन्ड में हमने वाटर कैबेज ऐड किए थे, तो यार यहाँ के वाटर कैबेज भी नहीं है यार। ध्रुव कौन लेके गया होगा यार यहाँ से? एक मिनट यार, साइड पे जाके देखता हूँ भाई। हाँ जाके देख रहा दोस्तों, अभी साइड वाले टेरेस पे तो काम स्टार्ट हो गया है ठीक है, हमारे दूसरे सेटअप का ऊपर टेरेस पे। ये देखो भाई, यहाँ का अभी सारा कुछ काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है, ईंटें वगैरह भी आ चुकी है। और मुझे पता ही था ध्रुव ये वाला डोर। हाँ यार मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि ना दोस्तों आपको पता है यार हमने यहाँ पे एक बड़ा सा डोर लगाया था जो कि अभी खोल कर रखा है, क्योंकि यहाँ का जो काम है ना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी की वजह से ये वाला डोर हमने खोल के रखा था यार। क्या लगता है ध्रुव तुझे यार? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार दोस्तों, क्योंकि यार हमारा ऑक्सीजन पंप भी गायब है और जो एक्सटेंशन बॉक्स था वो भी नहीं यार, और जो वाटर कैबेज वगैरह थी वो भी नहीं, फिशेज वगैरह तो है यार सारी, बट वो नहीं पता चल रहा भाई कहाँ गया। ओपन तो है यार, मतलब इधर से कोई भी आ सकता है ऊपर, अभी तो काम चल रहा है ना, आज काम वाले भी नहीं आए यार। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। मैं सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ यार, कैमरे लगा लेते हैं अपन, क्योंकि बहुत आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो कम था यार। हाँ वो तो है, मतलब हमारे सेटअप पे किसी की नजर है यार, कैमरे बिठाने हैं, बट साइड वाले सेटअप पे जब काम पूरा हो जाएगा ना दोस्तों तब हम कैमरे बिठाने वाले हैं हमारे सेटअप में। तो भाई अभी ना दोपहर हुई है और हमारे रस्टी और सिंपा दोपहर को देखो भाई कैसे सोते हैं, ये देखो चारों टांगे फैला के सोते हैं भाई, ये है ना भाई इनके मजे। सो जाओ भाई, देखो भाई। तो दोस्तों मैंने जो मटकियाँ ऑर्डर करके रखी थी तो वो भी आ चुकी है हमारी बजीज की, ये देखो भाई यहाँ पे मैंने रख दी, और यहाँ पे धूल भी देख सकते हो भाई, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे जो कॉलोनी में बहुत सारी बाइक्स वगैरह जाती आती रहती है, तो इसी की वजह से इतनी ज़्यादा धूल आती है यार, पता नहीं। और अभी समर सीजन की स्टार्टिंग भी हो चुकी है और पता नहीं यार तब से बहुत ज़्यादा धूल आना स्टार्ट हो गई है, अभी मुझे पूरा क्लीन करना होगा क्योंकि दो दिन में गाँव भी गया था, तो इसकी वजह से ये पूरा गंदा हो गया यार। परसों हमारी वीडियो भी नहीं आई थी तो गांव जाने की वजह से यार वीडियो नहीं आ पा रही थी। ये उड़ गया भाई हमारा सिम्बा। ओए सिम्बा, सारा कुछ दोस्तों मैंने अभी ये क्लीन कर दिया, मार दे भाई जंप। ओके क्या देखा भाई तुझे, क्या है भाई ये? ओए तो दोस्तों हमारे हमस्टर और गिनी पिग्स को ऐसा ढक के रखना पड़ता है, नहीं तो भाई ये ढकूंगा नहीं ना पूरा धूल का हो जाएगा भाई यहाँ पे। ये देखो भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओए इनके भी मजे है भाई। ये देखो हेलो ऐसा है भाई। दोस्तों आज हमें क्या करना है यार, आज हमें हमारा हैमस्टर का टैंक का काम करना है भाई ठीक है। आपको बता दो भाई इसका मैं कौन सा टैंक लेने वाला हूँ, तो भाई ये कहाँ पे भी सोने लगे यार। तो दोस्तों ये 4 फीट का जो टैंक है ना ये वैसे भी यार ऐसे अभी हमारे कुछ काम का नहीं यार, तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि यार ये वाला जो टैंक है दोस्तों ये मैं हमारा हैमस्टर का सेटअप भी बना दूँ यार इसमें, तो आज यही करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से उठा कर हमें ये वाला टैंक बाहर शिफ्ट करना होगा भाई यहाँ पे, और ये वाला टैंक है इसे हम कुछ यूज़ में ले लेंगे, देखते हैं अभी क्या यूज़ में आता है ये,
पहले तो मैं वो टैंक यहाँ पे लेके आता हूँ और हमारा एंसर का सेटअप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अभी ना ये वाला पूरा टैंक क्लीन कर दिया है, अभी इसे उठाकर हमें बाहर लेके जाना है यार। इसे उठाने में ना दो तीन जन आराम से लगे जाते हैं यार। यहाँ पे ना धूल इतनी ज्यादा आती है यार, ये देखो पूरा धूल का उजड़ कर, ये देखो भाई पूरा धूल निकल रहा है। तो भाई इसे भी हमें क्लीन करना होगा दोस्तों, इसे मैंने निकाल लिया भाई, इसे अच्छे से क्लीन करना होगा। और ये बेल देख सकते हैं भाई कैसे अभी फैली यहाँ पे। दोस्तों हमारा ये वाला टैंक भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये अच्छे से अभी क्लीन भी करना होगा यार हमें, क्योंकि देखो यार ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। ठीक है तो चलो भाई इसे अभी और अच्छे से क्लीन करते हुए मैं, और यहाँ पे क्या आने वाला है ये भी दिखा देता हूँ आपको। और हमारा जो हैमस्टर है ना, तो ये यहीं पे रहने वाला है जब तक ये टैंक सेटअप रेडी नहीं हो जाता। देखो रस्टी और सिम्बा वहाँ पे बैठा। दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये हमारी थी भाई बजिस के बॉक्स में, सॉरी बजिस के केज में। तो वहाँ पे तो इनका कुछ यूज नहीं हो रहा था यार, उल्टा ये इनको तोड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार इसको क्यों ना यार हमारे हैंडसेट का घर बना दिया जाए। तो इसी की वजह से मैंने क्या किया भाई, इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक प्रॉपर हैंडसेट का भी घर ही बना दिया। अभी आपको बता दो भाई मैं इसको मैं कैसे सेट करने वाला हूँ। तो चलो, तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारा हैंस्टर आएगा भी नहीं यहाँ से, तो हमें पूरा देखने वाला है भाई ये क्या कर रहा है अंदर, क्या क्या उसकी चीज़ें रख रहा है, मतलब हम पूरा उसको देख भी पाएंगे और ये भी कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पे। इसको ये वाले पाइप की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देने वाले हैं। ये देखो भाई, जैसे कि इसको और थोड़ा हाइड स्पेस हो जाए, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से अंदर आएगा, और एक ये घर हो गया और एक ये वाला घर हो गया, और ऊपर से यहाँ पे उसका पूरा रहेगा नेस्टिंग मटेरियल, जैसे कि ये वाला हमने अभी ऐड किया है। ये देखो भाई यही रहने वाला है सारा ऊपर से यहाँ तक। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो हमारा हैमस्टर है ना भाई, हैमस्टर बहुत खतरनाक होते हैं जंप मारने में, तो हमें ऊपर से भी इसको कवर करना होगा नेट से, मतलब ये जंप ना कर सके बाहर। तो चलो यार अभी इसका जो बेडिंग मटेरियल है वो हम लेके आते हैं और यहाँ पे पूरा सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई हमारा अभी हैमस्टर का जो बेडिंग मटेरियल है ये भी आ चुका है। ठीक है ये दो टब इसको लगे जाएंगे यार, तो इसको अभी ना हल्के हाथों से मैं ऐड करना है भाई यहाँ पे। ये देखो यार, ओए यार ये तो नीचे गिर रहा है यार, बाकी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये पूरा ऐड करके मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे जो बेडिंग मटेरियल इनका ये भी ऐड कर दिया है, जो कि लकड़ी का भूसा होता है। ये देखो भाई यहाँ तक मैंने इसका लेयर दिया है, ये देखो इतना बड़ा भाई। ठीक है मतलब हमारे हैमस्टर यहाँ पे कंफर्टेबल रह सके भाई, ये पूरा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड किया, और यहाँ पे क्या रहने वाला है वो चीज़ अभी हमारी आ ही रही है। तो दोस्तों वो चीज़ भी आ गई, जो कि ये है भाई सॉफ्ट वाली मिट्टी, जैसे कि हम आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे नहा पाएंगे दोस्तों। ठीक है तो चलो भाई ये वाली अभी मिट्टी मैं इस वाले ट्रे में ऐड कर देता हूँ, और ये वाला जो ट्रे है ना यहाँ पे हमें रख देते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये वाला भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखो भाई यहाँ पे हमारे आराम से आंसर आएंगे, और यहाँ पे ये हो गया दोस्तों हमारे हैमस्टर का फाइनल लुक। मतलब अभी तो यार 80% ही वर्क डन हुआ है, बाकी तो बाकी है, क्योंकि ऊपर से हमें एक कुछ प्रोटेक्शन लेयर हमें लगानी होगी, जैसे कि नेट वगैरह, जैसे कि हमारे हैमस्टर बाहर ना आए यार जम करके। और ये मिट्टी का जो बाउल है ना, इसमें हम हमारे हैमस्टर का खाना रखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये सक्सेस होती या नहीं मुझे देखना यार, क्योंकि मैंने ना इसको इस वाले पाइप की हेल्प से पूरा ढक, मतलब इस वाले पाइप यहाँ से एंट्री करेगा हैमस्टर, और यहाँ से होकर एल शेप में यहाँ पे अंदर एंट्री करेगा, और एक ये उसको होम हो गया और ये उसका दूसरा घर हो गया, मतलब ये दो दो घरों में रहने वाला है। ये देखो, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, मतलब पूरा ढक दिया है इसको, ऐसा ना लगे कि भाई ये मैंने बनाया है, पूरा नेचुरल सेटअप लग रहा है भाई अभी। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्लांट भी ऐड कर दिया, जो कि ये स्नेक प्लांट, ये करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है ना, ये प्लांट रखना ज़रूरी था, क्योंकि ना ये इसे ओपन ओपन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्लांट वगैरह रख देते हैं, और अभी इसका जो लुक है ना परफेक्ट आ रहा है। सिर्फ तो पीछे वाला जो है ना हमारा जो प्लांट है ना, ये और अच्छे से जब फैल जाएगा ना, तब अच्छा लुक आने वाला है यहाँ पे। दोस्तों आज के वीडियो में हमने किया हमारे प्यारे से कोको का सेटअप, और कोको के लिए बहुत जल्द हम एक फीमेल हैमस्टर भी लेके आने वाले दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करना। और यार एक बात रहेगी, हमारा जो कोको है ना दोस्तों, अभी ये यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो ऊपर का जो नेट अभी तक नहीं आया है। अभी मैं जाऊँगा मार्केट, और मार्केट से देखते हैं भाई वहाँ पे मिलता है या नहीं नेट, नहीं तो उनको ऑर्डर देना होगा भाई हमें इस साइज़ का नेट चाहिए, तो वो हो जाएगा ना तब हम हमारे कोको को यहाँ पे छोड़ देंगे। और दोस्तों आपके पास हमारे हैमस्टर को टैंक को लेकर कोई आइडिया होगा तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना।